आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि भिवंडी में लगातार आग लगने का सिलसिला जारी है और आज रात 1:30 बजे के करीब तकरीबन रात में कल्याण रोड पर मौजूद भारत कंपाउंड के एक मोती कारखाने में भीषण आग लग गई। ये आग रात 1:30 बजे से लगी थी, लेकिन कारखाना बंद होने की वजह से आग का पता किसी को नहीं चल पाया और अंदर ही अंदर आग ने मशीनों को और उनके केमिकल को पूरी तरह खा गया। लेकिन जिस वक्त विस्फोट हुआ तो उस वक्त कारखाने के जो पतरे थे वो ऊपर की तरफ उड़े, जिसके बाद लोगों को पता चला कि इस कारखाने में आग लगी हुई है, जिसके बाद वहाँ के मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड का जो डंपर है वो वहाँ पहुँच कर आग बुझाने की कोशिश करने लगा और चंद मिनटों में ही आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि ये जो कारखाना था ये बंद कारखाना था और भांडुप के किसी व्यक्ति जिनका नाम जयपाल बताया जा रहा है, उन्होंने यहाँ पर मोती का कारखाना शुरू किया था और अभी कारखाने को पूरी तरह शुरू भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने मोती की मशीनें लाकर रखी हुई थी यहाँ पर, केमिकल लाकर रखे हुए यहाँ पर था और वायरिंग का मीटर का काम जारी था, लेकिन अचानक इस कारखाने में भीषण आग लग गई। लोगों का ये भी कहना है कि ये आग किसी चोर उचक्कों ने लगाया होगा, क्योंकि मोती का कारखाना जो था वो बिल्कुल सन्नाटी जगह पर था और वहाँ पर अगर कोई मामला हो भी जाता है तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये आग उन्होंने ही लगाई हो या किसी धूम्रपान की वजह से यह आग लगी होगी, लेकिन हकीकत अभी तक पता नहीं चल पाई है। जांच जारी है, जांच होने के बाद ही पता चल सकता है कि आखिर ये मोती के कारखाने में आग लगी तो कैसे लगी। Thank you.